नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। इस बीच राज्य की 102 निकायों में से 9 ऐसी निकाय हैं जहां फिलहाल चुनाव होते संपन्न नहीं दिख रहे हैं। इनमें भी 2 ऐसी निकाय थी जहां चुनाव में पहले से ही देरी हो रही थी, लेकिन अब 4 और ऐसे निकाय सामने आई हैं जहां पर परिसीमन ना होने की वजह से चुनाव लटकता हुआ नजर आ रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अब 93 निकायों में चुनाव की तैयारी तेज कर दी है, मगर सवाल यह है कि निकाय पर सस्पेंस कब खत्म होगा। सवाल यह भी कि निकाय चुनाव समय पर होंगे भी या फिर नहीं, और सवाल यह भी कि परिसीमन का पेच आखिर फंसा है या फंसाया गया है। तो बात आज इसी पर करेंगे, चर्चा आज इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। तो क्या उत्तराखंड में निकाय की लड़ाई होगी भी या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है, क्योंकि राज्य में 102 निकाय मौजूद हैं जिनमें निकाय चुनाव होने, लेकिन गुजरते समय के साथ ही निकायों में चुनाव संबंधी कार्यों में देरी होने की वजह से 93 निकायों में ही अब चुनाव होने की संभावना लग रही है। चमोली जिले में नगर पंचायत बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग जिले में नगर पंचायत केदारनाथ और उत्तरकाशी जिले में नगर पंचायत गंगोत्री में भी इस बार निकाय चुनाव नहीं होंगे। ये बात अलग है कि तीनों धामों में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अब तीनों निकाय प्रशासनिक व्यवस्था के तहत संचालित होंगी। इसके साथ साथ नगर निगम रुड़की का कार्यकाल अभी बाकी है। नगर पालिका बाजपुर में परिसीमन का विवाद हाईकोर्ट में लंबित है, लेकिन इन दोनों ही निकायों में चुनाव कराना संभव नहीं नजर आता। इसके साथ साथ नगर पालिका हरबटपुर, नगर पालिका नरेंद्रनगर, नगर पंचायत कीर्ति नगर में भी अभी तक निकाय का परिसीमन नहीं हो पाया है, लिहाजा यहां पर भी निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करवाएगा, ऐसे आसार हैं। नगर पंचायत बद्रीनाथ केदारनाथ और गंगोत्री में निकाय चुनाव नहीं होते हैं। वहीं कांग्रेस हो या बीजेपी निकाय चुनाव के लिए अपनी तैयारी कर रही है। बीजेपी की माने तो निकाय चुनाव के लिए भी संगठन तैयार है और बीजेपी का हर कार्यकर्ता उत्साहित है, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि सत्तासी बीजेपी अभी भी निकाय चुनाव तय समय पर कराने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, विपक्ष को कंफ्यूज पार्टी, कांग्रेस माने कंफ्यूज पार्टी। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि नगर निकाय के चुनाव होने चाहिए, दूसरी तरफ कहती है कि भाई अभी आरक्षण नहीं हुआ है, अभी ये नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी पुष्कर धामी जी की सरकार, हर चुनाव के लिए तैयार है, हर प्लेटफॉर्म में चुनाव करवाने को तैयार है। निश्चित रूप से नगर निकाय के चुनाव सही समय पर होंगे और सही समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव को करवाएगी। कांग्रेस केवल और केवल कंफ्यूज पार्टी है, कंफ्यूजन पैदा करती है और इसी प्रकार की राजनीति करना आज कांग्रेस की आदत। देखिए, ये चुनाव को तो शुरू से टालना चाहते हैं, 6 महीने ये पहले ही चुनाव को टाल चुके हैं, अभी भी ये रोड़ा अटकाना चाहते हैं कि कहीं पे परिसीमन नहीं हुआ है, कहीं नए वार्ड हमने जोड़ने हैं, जैसे कैंड का क्षेत्र यहाँ पे देहरादून नगर निगम में जुड़ना है, वो भी अभी नहीं जोड़ पाए ये लोग। ये कुछ ना कुछ बहाना लेकर चुनाव को टालना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हाईकोर्ट की इनको फटकार लगी है, समय पे इनको चुनाव कराना पड़ेगा और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ देहरादून में और अन्य जो नगर निगम है वहां पे चुनाव लड़ेगी और इस बार उत्तराखंड से सारे नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होगा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद निकाय चुनाव का मैदान तैयार हो रहा है, जिसमें सियासी दल के नेता चुनावी खेल में चौके छक्के लगाने के लिए तैयार है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग के पास अभी भी चुनाव कराने को लेकर पुख्ता जानकारी नहीं है कि कब चुनाव की तारीख का ऐलान होगा और कब चुनाव संपन्न होंगे, होंगे भी या नहीं, क्योंकि चुनाव को टालने के लिए कई ऐसी वजह भी मौजूद हैं, जिससे एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल निकायों में बढ़ाया जा सकता है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब बारी निकाय चुनाव की है। ऐसे में उत्तराखंड में 102 नगर निकाय की सीटें हैं। आपको बता दें कि चुनाव को देखते हुए तैयारियां जो है तेज कर दी गई है, लेकिन
निकाय चुनाव को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। कई तरह के सवाल जो है विपक्ष उठा रहा है। सवाल ये भी कि क्या निकाय चुनाव तय समय पर हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि 9 सीटें ऐसी हैं, 9 निकाय ऐसे हैं जहां पर अभी पेच फंसा हुआ है। सवाल ये भी क्योंकि हाईकोर्ट की फटकार के बाद हाईकोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया था और साफ तौर पर उत्तराखंड सरकार को कहा था कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराए जाए। तो उत्तराखंड में 102 निकाय पर चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनाव में देरी होने से कई तरह के सवाल जो है खड़े हो रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी नैनीताल हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराए जाए। तो कई तरह के सवाल बरकरार है कि आखिर निकाय चुनाव में देरी होगी या तय समय पर निकाय चुनाव होंगे। सवाल ये भी कि आखिर परिसीमन का जो पेच है वो फंसा है या फंसाया गया है। सवाल ये भी कि आखिर क्या उत्तराखंड में कब ये निकाय चुनाव होंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता कमलेश उनियाल जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल जी जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार उत्तराखंड से नीरज कोहली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है कि आप तीनों ने ही समय निकाला और कार्यक्रम का हिस्सा बने। कमलेश जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से लोकसभा चुनाव की तैयारियां की, कितनी सीटें आप जीत रहे हैं? क्योंकि दावा जो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था वो ये था कि 5 सीटें जीत रहे हैं, इतना कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिया बाकी अन्य राज्यों में भी प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो निकाय चुनाव पर आप लोगों की क्या तैयारियां? देखिए, लोकसभा की जहां तक आपने बात की तो लोकसभा में तो स्वतः ये तो है ही, हम 5 में से 5 सीटें जीत रहे हैं और पूर्ण अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, निरंतर जनहित के लिए कार्य कर रही है, जनता इसको जानती भी है। जहां तक निकाय चुनाव की आप लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, तो निकाय चुनाव क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन की अगर बात करूं तो हम लोग 24/7 कार्यरत कार्यकर्ता हैं जो पार्टी के किसी भी मोड में एक्शन मोड में रहते हैं। और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो हमारा उद्देश्य खाली चुनाव लड़ना नहीं, हम लोग तो ऑलरेडी एक्टिव रहते हैं और जहां तक की शासन या प्रशासन की जो बात है तो शासन प्रशासन भी अपने स्तर पे कार्य कर रहा है और इसकी नहीं ठीक है। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है तो आखिर परिसीमन क्यों नहीं कराया गया? आखिर 9 निकायों में ये जो सस्पेंस है वो बरकरार क्यों है? नहीं, उसकी भी एक प्रक्रिया है जिसके हिसाब से हम लोग सरकार की जो स्थिति है, सरकार ने ऑलरेडी जब कोर्ट के समक्ष ये बात रखी है उसके हिसाब से जो भी प्रक्रियाएं चल रही है सरकार जो अपने क्योंकि कई चीजें हैं उसको देखते हुए। ठीक है, आऊंगी मैं आपके पास, यही सवाल एक बार नीरज जी से पूछ लेती हूँ। नीरज जी, आखिर क्या वजह, आखिर क्यों निकाय को लेकर सस्पेंस बरकरार है? निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी आखिर क्यों जो ये है परिसीमन नहीं हो पाया 9 निकायों पर? रिया देखें, वैसे तो अगर उत्तराखंड का इतिहास देख लें राज्य बनने के बाद तो अधिकांश मर्तबा आपको यही नजर आएगा कि सरकार बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, कभी भी निकाय चुनाव जो है तय समय पर नहीं हुए। हमेशा ज्यादातर जो है चुनाव का जो समय है वो आगे बढ़ा और 6-6 महीने के लिए प्रशासन नियुक्त किए गए। वजह उसकी 2 वजह रही है कि जब भी कोई निकाय चुनाव के नजदीक कोई बड़ा चुनाव होता है, बड़े चुनाव से मतलब राज्य का विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव, तो सरकारें बचती रही हैं कि सेमी ट्रायल में ना जाएं, क्योंकि सेमी ट्रायल में कुछ भी हो सकता है। अगर वो अच्छा होगा तो उनके पक्ष में जाएगा, अगर कहीं रिजल्ट परिणाम अगर अनुरूप नहीं आए तो उसका एक बैड इंप्रेशन जाएगा, एक खराब मैसेज जाएगा और वो बड़े चुनाव पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो एक तो वजह ये रही है और दूसरी वजह ये रही है कि इस बार जो निकाय चुनाव हुआ, इस बार भी आप देखेंगे कि 6 महीने के लिए जो है कार्यकाल बढ़ा है, लेकिन इस बार कुछ थोड़े से कानूनी और तकनीकी पेच भी फंसे हुए हैं। एक तो लेकिन नीरज जी, वजह क्या, आखिर क्या वजह कि ये जो परिसीमन का जो पेज है ये फंसा है या फंसाया गया है, कैसे समझा जाए? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए बीजेपी ने पेज फंसाया है। एक तो मैंने आपको शुरुआती दौर में एक बात कह दी कि जो भी सरकार रही हो कि जब कोई बड़ा चुनाव नजदीक होता है तो वो छोटे चुनाव से बचती रही है हमेशा, तो कहीं ना कहीं टालने की, ये तो पहले ही डिसाइड हो गया कि 6 महीने के लिए अगर आपने एक्सटेंड कर दिया कार्यकाल को, प्रशासकों के हवाले कर दिया निकायों को, तो इसका मतलब ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद जाएगा ये चुनाव, क्योंकि सरकारें बचती रही है। एक तो 6 महीने ये हो गया और दूसरा ये कि इस बार जो है ना
ऐसा बताया जा रहा है कि ओबीसी के आरक्षण का निर्धारण जो है वो नए सिरे से होना है, और कुछ हमारे जो प्रदेश के जो कैंट एरिए थे उनमें जो सिविल क्षेत्र थे उनमें उन क्षेत्रों को जो है नगर निगमों में नगर निकायों में सरकार ने शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। तो उसकी एक अपनी प्रक्रिया होती है कि वो अगर आपने सरकार ने आदेश जारी कर दिया तो उस पर आपत्तियां होंगी, सुनवाई होंगी, और उसके बाद जब वो नए सिरे से निकायों में शामिल होंगे तो वार्डों का परिसीमन भी बढ़ेगा, वार्ड भी एक्सटेंड होंगे। जिस तरह से पिछली बार आपने देखा हुआ कुछ हमारे ग्रामीण क्षेत्र जो है वो निकायों में शामिल हो गए तो नए सिरे से परिसीमन हुआ था और वार्डों की संख्या बढ़ गई थी। ठीक है, कमलेश जी से जवाब जरूर लूंगी, लेकिन उससे पहले आशीष जी के पास। आशीष जी, जिस तरह से कांग्रेस लगातार कह रही है कि बीजेपी ने तैयारियों के चक्कर में, क्योंकि लोकसभा चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण थे इसलिए निकाय चुनाव में पेच एक तरह से फंसाया, लेकिन हमारे साथ नीरज जी भी बैठे हैं बहस में। नीरज जी ने साफ तौर पर कहा सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो हमेशा निकाय चुनाव को लेकर एक लापरवाही वाला रवैया जो है अपनाया है। देखिए प्रिया मैडम, मैं तो इस बार की बात करूंगा जिस शासन सत्ता में बैठे नगर निगम एक्शन में इस समय जो स्थिति है अपना विश्वास हो चुका है और नगर निगम ने अपना विश्वास खो दिया है मैडम। जिस तरह से अभी मेयर साहब अभी ताजे इस आरोप में फंसे थे, आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे थे, और नगर निगम के अंदर देखा गया पिछले साल डेंगू में बहुत लोग नाराज रहे इन लोगों से, क्योंकि इन लोगों ने डेंगू की व्यवस्थाएं में इतने गड्ढे सड़कों में कर दिए थे कि जिस कारण डेंगू फैला, और जिसका कारण सीधा सीधा नगर निगम था, इन्होंने फॉगिंग ढंग से नहीं करी। उससे पहले कोरोना के टाइम पर भी इन्होंने सैनिटाइजर को डालने के नाम पर पानी डालने का काम किया, आए दिन हड़ताल पर बैठे हैं सफाई कर्मचारी, जो ये गाड़ी है जो घर घर से कूड़ा उठाती है, तो कई अव्यवस्थाएं रही जिसके कारण से इन्हें लगता है कि हम अपनी छवि सुधार लें अगर थोड़ा लेट कर दे तो इस तरह से चुनाव को पीछे करने का काम किया है। और जब हम बात करते हैं तो ये कहते हैं हम तैयार हैं, अगर आप तैयार हैं तो कोर्ट आपको फटकार क्यों लगा रहा है, चुनाव पीछे क्यों जा रहे हैं। आज की स्थिति मैडम इतनी खराब है कि जितने वार्ड की हम लोग लिस्ट देख रहे हैं कई लोगों के नाम लिस्ट से कटे हुए हैं, और जिनके नाम भी हैं बड़े उल्टे सीधे तरीके से जवाब दीजिए इस पर, नाम नहीं लिखे हुए हैं, बहुत परेशानियां हैं। और दूसरा मैडम मैं ये जवाब लेना चाहूंगा कि इस समय हम तो चलो जा रहे हैं, चुनाव आयोग जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग व्यवस्थाएं क्या बना रहे हैं। आम आदमी अपना वोटर कार्ड में नाम चढ़वाने के लिए इनके ऑफिस जो कचहरी में है वहां नहीं जाएगा, उसके लिए तो घर में ही व्यवस्था करनी पड़ेगी या कैंप लगाने पड़ेंगे, और कब लगेंगे कैसे। नहीं, बीजेपी अभी भी चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। जवाब ले लेते कमलेश जी से, कमलेश जी जवाब दीजिए। अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार, अन्य राज्यों में जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज भी रांची में है, प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है। उत्तराखंड में भले ही चुनाव संपन्न हो चुके हो लेकिन सीएम धामी ने पूरी तरह से, क्योंकि स्टार प्रचारक हैं, इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन निकाय चुनाव में लापरवाह रवैया, यही आरोप जो है आशीष जी लगा रहे हैं। कमलेश जी जवाब दीजिए। मेरा ये कहना है जहाँ तक हम लोग आरोप और प्रत्यारोप की बात है, हमारी सरकार किसी भी, चाहे वो चुनाव एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत एक, चाहे वो आरक्षण का मामला हो, ओबीसी आरक्षण का मामला, उसके लिए भी हमारी सरकार ने पूर्ण रूप से कोर्ट का सहयोग किया है। और आने वाले, जैसे हमारे ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि निकाय के अंतर्गत जो वोटर लिस्ट है ये है कहीं ना कहीं टेक्निकल स्थिति, कहीं वोटर बढ़े हुए हैं तो कहीं घटे हुए हैं, उसको देखते हुए पुनः एक बार हमारे जो हमारे संगठन ने भी और सरकार ने भी एक सामंजस्य के माध्यम से चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, और जल्द ही जो प्रकाशन से पूर्व कैंप की एक व्यवस्था करके उसमें जितना भी दुष्टिकरण हो उसके लिए हमारी सरकार ने एक आगे का रोड मैप बनाया, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जो भी तय, लेकिन परिसमन नहीं हुआ ना कमलेश जी, आंकड़े तो यही बता रहे हैं 9 ऐसे निकाय हैं जहां परिसमन नहीं हुआ, 4 इसमें हैं और 3 की परिस्थितियां इस तरह से हैं बर्फबारी की वजह से जहां निकाय चुनाव नहीं हो सकते। अब इसका जिम्मेदार कौन कमलेश जी, जिम्मेदार कौन? कोई ऐसी स्थिति आती है कहीं अगर बर्फबारी की स्थिति आती है तो उसके लिए चुनाव आयोग के तहत सरकार और आम एक जो भी जनहित में होगा उसमें निर्णय लिया लेकर के, और एक नहीं, चलिए वो तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। आप ये बताइए, आपकी सरकार है, आप लोग बोलते हैं डबल इंजन ट्रिपल इंजन, तो आखिर परिसीमन तो आपकी जिम्मेदारी थी ना, वो क्यों नहीं हुआ? हमने, हमारी सरकार अगर डबल इंजन की बात करते हैं तो डबल इंजन जैसा कार्य भी करती है। आज आप ये देखो रोड स्ट्रीट लाइट की अगर हम लोग बात करते हैं
और प्रत्येक नगर निगम के अंदर जो इनके कार्यकाल में 2014 से पहले क्या था, कूड़े के ढेर लगे हुए रहते थे, आज हर सुबह कूड़े की गाड़ी घर घर जाकर के कूड़ा इकट्ठा एकत्रित करती है। आप ये देखिए कि जो भी इनके कार्यकाल में क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है। हम ये कह रहे हैं अगर कार्य के आधार पे अगर हम लोग कहीं डिले नहीं कर रहे हैं, हम तो हर चुनाव के लिए तैयार है क्योंकि हमने काम किया है, चाहे नगर स्तर पे हो चाहे पंचायत स्तर पे हो, तो हमारी सरकार ने कार्य किया है और उस कार्य का परिणाम है आने वाले चाहे लोकसभा चुनाव हो या कोई उपचुनाव हो या नगर निकाय के पंचायतों के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस और भारतीय जनता पार्टी के कार्य नहीं। कमलेश जी, मैं ये बात मानती हूँ, बीजेपी दावा करती है हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे इतने कार्यकर्ता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ उस बात के लिए, मैं मानती हूँ इस चीज को, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, कोई भी चुनाव हो छोटे से बड़ा बीजेपी बहुत सीरियसली लेती है, लेकिन जब परिसीमन की बात आई तो बीजेपी ने वहां पर लापरवाह रवैया दिखाया और कांग्रेस साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि लोकसभा चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण थे, उस पर फोकस करना था, इसलिए लोकसभा चुनाव भी महत्वपूर्ण है मैडम, उपचुनाव भी महत्वपूर्ण है, पंचायत के चुनाव भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, निकाय चुनाव महत्वपूर्ण नहीं है? नीरज जी, आपका जवाब चाहूंगी इस पर। हम तो कहेंगे सारे चुनाव महत्वपूर्ण है, सरकार का एक कार्य करने का तरीका होता है, सरकार का एक सिस्टम होता है, हर चीज में कार्य किया जाए और संपर्क में हमारे कल भी हमारे जो शहरी विकास मंत्री हैं जो निकायों के चुनाव के संबंध में जो भी सुझाव सरकार के माध्यम से चुनाव आयोग को दिए जाने के लिए थे वो दिए गए हैं और उस पर निरंतर हमारी सरकार कार्य कर रही है। ये आरोप लगाना कि सरकार ने कोई पेच, हम पेच क्यों फंसाएंगे, हमने कार्य किया है, हाँ जनता हमारे साथ है, जनता ने इनको नकार दिया है, 17 में नकारा है, 22 में नकारा है, अब नगर निगम के चुनाव में हम पेश क्यों, हम तो क्या चुनाव चाहते हैं, चुनाव हो और चुनाव के लिए, लेकिन लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर या उपचुनाव के मद्देनजर या निकाय चुनाव की हम बात कर रहे हैं उसके लिए भी निरंतर कार्य कर रहा है, पैरेलल बॉडी कार्य कर रही है। वैसे चुनाव एक स्वतंत्र, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, उसको जो जो भी सुझाव हमें ये विपक्ष में बैठे ये भी सुझाव दें। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ नीरज जी, आऊंगी आशीष जी आपके पास। नीरज जी, जिस तरह से कमलेश जी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से तैयारियां पूरी हैं, सरकार ने जो काम करना था वो किया है, तो आखिर नीरज जी मुझे जवाब ये चाहिए कि जो 9 निकायों पर पेच फंसे हैं और सवाल यही उठ रहा है कि क्या यहाँ चुनाव होगा या नहीं, उसका जिम्मेदार कौन? देखिए रिया, अगर सरकार की तैयारियां पूरी होती तो फिर ये नियत समय पे चुनाव होते ना, फिर 6 महीने पहले होते, फिर प्रशासक नियुक्त करने की क्या जरूरत थी? अगर आपकी मंशा यही थी कि पार्लियामेंट चुनाव से पहले आपको चुनाव कराने हैं, तो चुनाव का मतलब यह है कि जिस डेट पर चुनाव खत्म, निकायों का कार्यकाल खत्म होने वाला है, उससे 6 महीने पहले तैयारी शुरू हो जाती, यानी कि 1 साल पहले तैयारी शुरू हो जाती। और नीरज जी, ये तेजी भी तब आई है जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाईकोर्ट में याचिका लगी और हाईकोर्ट ने लगातार सरकार को नोटिस दिया, अभी सरकार ने शपथ पत्र भी दिया कि 30 जून से पहले हम चुनाव कराएंगे, लगातार कोर्ट में चल रहा है मामला। तो ये मैंने आपको पहले कहा ना, जब कोई बड़ा चुनाव नजदीक होता है तो सरकारें निकाय चुनाव से बचती हैं, उसको टालने की कोशिश करती हैं कहीं ना कहीं। अब बताइए कमलेश जी, अगर तैयारियां पूरी थी तो आखिर टला क्यों, समय रहते क्यों नहीं हुआ निकाय चुनाव? देखिए, जहां तक न्यायालय की बात है, न्यायालय सर्वोच्च इकाई है और न्यायालय की कोई भी व्यक्ति, और ये तेजी भी जो आई ये हाईकोर्ट की फटकार के बाद आई, नहीं कोई सत्ता पक्ष में हो कोई विपक्ष में हो, तो वो भी अगर कोई लगता है, कई बार कांग्रेस की सरकार में कई बार न्यायालय गए हैं हम लोग और कई विपक्ष भी गया है कि साहब ये टाइम से नहीं करा रहे, ये विपक्ष का काम है इस तरह से कहना। लेकिन जहां तक अगर ये कहना है कि साहब ये दिलाई है, हम दिलाई क्यों करेंगे, हम लोग तो जब इतना अच्छा कार्य नगर निगम नगर पंचायतों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मेयर और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा किया गया है, चाहे सड़क का सुंदरीकरण हो चाहे चौड़ाईकरण हो चाहे सिविल लाइन का, अगर हम लोग बात करते हैं आज देहरादून के नगर निगम के कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो बचा हुआ है? आशीष जी बताइए, कमलेश जी कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया है, हम जो है चुनाव क्यों टालेंगे? देखिए मैडम, अगर जब इनको फटकार पड़ रही थी हाईकोर्ट के द्वारा, तो ये क्यों नहीं फटकार लगाई इन्होंने आगे चुनाव आयोग को कि गलती तुम्हारी है, डांट हम खा रहे हैं? इन्हें बोलना चाहिए था ना, ये क्यों डांट खा रहे थे वहां बैठ के? इन्हें बोलना चाहिए था कि तुरंत चुनाव कराते, क्यों नहीं कराए, कहां थे? इनको उल्टा इन पे कार्रवाई करनी चाहिए, इनको चुनाव आयोग के ऊपर। 5 साल से चुनाव आयोग सो रखा था क्या, उसे पता नहीं था कि समय आ रहा है चुनाव करना चाहिए? पर ये लोग ढाल बन के बैठ गए चुनाव आयोग की, नहीं चुनाव आयोग नहीं करा पाया। अरे क्यों नहीं करा पाया, किस काम, चुनाव आयोग का काम क्या है बताएं आप? वो बीजेपी खंभे लगा रहा है क्या?
चुनाव आयोग का काम यही है चुनाव कराना, और वो इनके इशारे पर चुनाव नहीं कराया क्योंकि इन्हें पूरा डर था कि उत्तराखंड के अंदर जो पांच सीटें जीते हुए हैं ये पांचों सीटें हार जाएंगे। तो फटकार जब लगाई इनको कोर्ट ने तो इन्हें बोला देता है। एक बात है कमलेश भाई, आप किसी और के हिस्से की फटकार आप क्यों खाएंगे? आप बोलेंगे ना गलती तो उनकी है। तो जब अगर फटकार इसलिए खाए क्योंकि गलती इनकी थी, चुनाव आयोग इनको बोलता, अगर बोलते चुनाव आयोग के ऊपर कोई बात करते तो चुनाव आयोग बताता कि इन्होंने हमें मना किया था, डर के हमारे इन लोगों ने ऐसा किया है। और आज तो जनता के साहूकारों से कोई मतलब नहीं है। आज आप देखिए केदारनाथ के अंदर तीर्थ पुरोहित 10 तारीख से हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं कि हम हड़ताल पर चले जाएंगे, हमारे घर के आगे गड्ढे गड्ढे खोद दिए, इन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ हम सरकार बना दें, हम जीत जाएं, पूरा तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। और कहते हैं कि हम अच्छी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं बना रहे हैं आप? और मुख्यमंत्री जी क्या बता रहे होंगे बाहर जाकर कि हम ऐसा राज्य है कि जहाँ चुनाव समय पर नहीं होता, हमारा ऐसा राज्य है जहाँ पेपर घोटाला होता है, पेपर लीक होता है और उसमें पकड़ा जाता है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता, और आप विधानसभा घोटाला करते हैं, ये बताएंगे? क्या बताएंगे? जनता रोजगार मांग रही थी, जब युवा रोजगार मांग रही थी, डंडे मारने का काम किया, आप क्या बोलेंगे? जब जनता वीआईपी पूछ रही थी, वीआईपी छुपाने का काम कर रहे थे, रिसोर्ट तोड़ने का काम कर रहे थे, आप पे क्या चीज है बोलने के लिए? आप एक ऐसी चीज बता दें, आप क्या बोलेंगे? फिर क्या रहा रिजर्व बना रहा है? एक तरफ जहां वन अग्नि की घटनाएं सामने आ रही है, उत्तराखंड कुमाऊं से लेकर जो है गढ़वाल तक जल रहा है, दूसरी तरफ निकाय चुनाव के लिए जो है कोई तैयारी नहीं दिख रही है धरातल पर, तो सवाल उठेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इधर उधर दौरे कर रहे हैं। बिल्कुल दौरा भी करेंगे भाई, क्या बात कर रहे हैं आप? चुनाव है संगठन का, वो स्टार प्रचारक है, उनके कार्य को देख करके प्रशंसनीय नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश अपने राज्य के प्रति भी एक जिम्मेदारी है ना। अगर निकाय चुनाव, आप मुझे ये बताइए, अगर निकाय चुनाव नहीं हुए हैं, जिम्मेदारी इसके लिए जिम्मेदार कौन? परिसीमन नहीं हुआ, जिम्मेदार कौन? आप मुझे सिंपल सा जवाब बता दीजिए। नहीं, परिसीमन की स्थिति के हिसाब से परिसीमन का कार्य चल रहा है आज, तो परिसीमन का बहुत नहीं, लेकिन देरी नहीं हो गई? अगर ऐसा था तो परिसीमन आपको नहीं लगता जल्दी होना चाहिए था? नीरज जी जवाब चाहूंगी आप पर, आपसे। आप ये कहिए कि कल, मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए जैसे आचार संहिता खत्म होती है तुरंत चुनाव हो जाएंगे, उसमें डिबेट भी कोई बिंदु है ही नहीं। हाँ, अगर तब दिले तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह सकते हैं हम लोग तैयार है, सरकार तैयार है। नीरज जी जवाब चाहूंगी आपसे। रिया देखें कि अभी का समय तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो किसी भी तरह से उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ये बात सरकार को भी मालूम थी, क्योंकि प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, पार्लियामेंट के चुनाव हो गए हैं और वन अग्नि की घटनाएं चारों तरफ फैल रही हैं, तो सरकार को ये सारी चीजें मालूम है कि आने वाले दिनों में अप्रैल मई का महीना हमारे लिए कितना कैसा है। तो 1 दिसंबर को जब हमारा कार्यकाल खत्म हो गया, अगर उस समय चुनाव होते तो वो उपयुक्त समय था, उसके बाद तो एक के बाद और पेज पे पेज फंसता जा रहा। आपने बहुत सारे जो कैंट बोर्ड के जो क्षेत्र हैं वो निकायों में शामिल कर दिए, नए सिरे से ओबीसी के लिए आरक्षण निर्धारण होना है, कुछ मामला को कई निकायों का कोर्ट में चल रहा है मामला, तो ये सब चीजें टेक्निकल पेज तो फंस नहीं थे, ये मालूम था सरकार को सारी चीजें। मैंने कहा ना, ये सरकारों की मंशा रही है हमेशा, जब कोई बड़ा नीरज जो जिस हिसाब से कमलेश जी कह रहे हैं कि परिसीमन अपने अनुसार होगा, जब तैयारी है उसको लेकर अपने समय पर वो होगा, क्या ये सही है? क्या जो परिसीमन ये करवा रहे हैं या जिसकी तैयारी होनी थी वो पहले नहीं हो सकता था? रिया, जब इनको मालूम है, एक सरकार को मालूम है कि निकायों का 5 साल का कार्यकाल 1 दिसंबर को खत्म होने वाला है, और आपने अगर परिसीमन कराना है या ओबीसी के आरक्षण को नए सिरे से उसका निर्धारण कराना है तो वो 1 दिसंबर से पहले कराओगे ना, या 6 महीने के प्रशासन नियुक्त करने के बाद तब कार्रवाई शुरू करोगे? कमलेश जी जवाब, तो आपके इसी चीज का तो आरोप लग रहा है कि देरी कर ही गई, टाला गया। आपकी मंशा ठीक नहीं है। आप ये बताइए, जवाब दीजिए। मेरे प्रवक्ता महोदय जी बता रहे हैं कि सब ये जानकारी कहाँ से आई कि परिसीमन नहीं हुआ है? ये जानकारी परिसीमन का कार्य कर, मैं ये कह रहा हूँ तय समय पे चुनाव होगा, आप तय समय पे, आप इस समय चुनाव आचार संहिता लगी है, इससे अभी कल तो चुनाव नहीं करवा सकते हैं, हमारे प्रवक्ता चाह रहे साहब कभी करवा दो हैं, कल तक डिबेट बिंदु थे दूसरे, आज डिबेट बिंदु का यह कि चुनाव का भाई कोई ना कोई मुद्दा, ठीक है आपको एक टॉपिक मिला भाई इसमें चुनाव की चर्चा, चुनाव की स्थिति क्या रहेगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा हमारी सरकार ने पूर्ण तैयारियां कर दी है, चुनाव आयोग भी पूर्ण दुरुस्त और दुरुस्त लगा हुआ है, हमारी जो संबंधित शहरी विकास मंत्री उनके साथ भी, हमारे संगठन के लोग भी और हमारे जो कार्यकर्ता भी एक्टिव हैं। कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि आने वाले निकाय चुनाव में इनकी क्या स्थिति होने वाली है, क्योंकि हमारी हम लोगों ने कार्य किया है उस हिसाब से। ठीक है, आशीष जी फाइनल कॉमेंटिंग। देखिए सरकार
चुकी है क्योंकि लोकसभा चुनाव ये लोग हार रहे हैं और ये सोच नहीं पा रहे हैं। मुझे इनके लक्षण लग नहीं रहे कि ये लोग चुनाव कराएंगे। ये लोग अभी भी टाल मटोल के मूड में हैं। मुख्यमंत्री जी को तो समय ही नहीं है अपना राज्य देखने का। मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी ने ये भेंट कराई है। मुख्यमंत्री तो है जो टारगेट लेकर गए। आपको पता है केदारनाथ के अंदर डीएम को हटाने की मांग कर रहे हैं वहाँ के लोग। आप पढ़े अखबार को और आशीष जी, कमलेश जी, नीरज जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है क्योंकि हाईकोर्ट की फटकार के बाद हालांकि इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई है, लेकिन अभी भी 9 निकाय ऐसे हैं जिस पर ये जिन सीटों पर या जिन निकायों पर ये चुनाव संपन्न होते हुए नजर नहीं आ रहे। सवाल कई सारे हैं कि आखिर तय समय पर निकाय चुनाव होंगे या नहीं। सवाल यह भी कि जो परिसमन का पेज फंसा है वो फंसा है या फंसाया गया है, इसी को लेकर आज चर्चा की गई। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।